थ्योरी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा बेटे, और जो थ्योरी चैप्टर से टोटल मिलाकर देखा जाए तो प्योर थ्योरी चैप्टर 4। कौन कौन से चैप्टर्स थ्योरी है? एक स्टार्टअप फाइनेंस है जो हम पहला चैप्टर, ये बाकी सिक्योरिटाइजेशन वगैरह थोड़े से ईजी है, इसी में थोड़ा सा टाइम लगने वाला। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सर स्टार्टअप फाइनेंस। हाँ जी सर, क्या समझते हो आप स्टार्टअप फाइनेंस? स्टार्टअप बहुत नाम सुना होगा ना, स्टार्टअप सर कुछ नहीं है, बिजनेस स्टार्टअप इंडिया करके ऐसा सुना तो है बहुत कुछ बेटे, वो सब आपका लॉ से रिलेटेड बात है कि स्टार्टअप फाइनेंस किसको, स्टार्टअप किसको माना जाए या नहीं माना जाए। हमारा SFM में नहीं है, हमारा SFM में स्टार्टअप तो आपको समझ में आता है, नया बिजनेस स्टार्ट कर स्टार्टअप। सवाल है हमारे काम की चीज है, वो है फाइनेंस, पैसों का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाए स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस, फाइनेंस हमारा लिए मेन फोकस रहेगा फाइनेंस। तो सर इसमें क्या क्या चीजें हैं बेटे? है तो बड़ा सिंपल चैप्टर, थ्योरी चैप्टर से कुछ है नहीं, पर देखा जाए तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, आप भी जानते हो हर एक अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है, और टोटल चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। प्रैक्टिस मैनुअल से ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर सॉरी स्टडी मटेरियल से। अगर मेरी बात करूँ कि सर थ्योरी समझ में नहीं आता एक्चुअल में हम लोगों को, कि अपनी लैंग्वेज लिखना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज लिखना चाहिए, या फिर हमें रट्टा मारना चाहिए बुक से, बेटे रटने तो सकते ही नहीं आप, रटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। आपको एक बार चैप्टर समझना है, उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे थ्योरी, प्लीज याद करने की कोशिश मत करना कि रट ले, और जो एज इट इज जो शब्द आपके स्टडी मटेरियल में लिखे वही शब्द हम सीधा की सीधा एग्जाम में छाप कर रह जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज सर, आप जितना भी थ्योरी करवाने वाले हो आपकी अपनी बुक है, तो अगर मैं कहूं कि पूरा की पूरा मैं स्टडी मटेरियल से ही करवाने वाला हूं, अच्छा थ्योरी दे रखा, अपनी कोई बुक नहीं, जरूरत ही नहीं स्टडी मटेरियल में, इतना इजी लैंग्वेज में दे रखा। तो स्टडी मटेरियल की बात करूं चाहे मैं अपनी बात करूं, इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में उन पार्ट्स का नाम लिख लोगे। तो एक होता क्या है, बड़ा चैप्टर हो तो हमें समझ में नहीं आता थ्योरी, तो हम 5 पार्ट में उसको पढ़ेंगे, थ्योरी भी तैयारी हो जाएंगी। ओके सर, फर्स्ट मेरे साथ साथ लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट में लिखा है इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। सर ये क्या चक्कर है बेटे? बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूं। सिंपल सी बात यह है कि सर जी नया बिजनेस स्टार्ट करना तो पैसे चाहिए। यस, पैसा कहां से लाओगे? सर पैसों का अरेंज, बैंक से लोन ले लेंगे। नहीं, बैंक वाला देगा कैसे? नया बिजनेस है, चलो स्टार्ट करो नया बिजनेस, जाइए बैंक के पास, क्या बैंक वाला पैसे दे देगा आपको? इतना आसान नहीं है। तो आखिर पैसों का अरेंजमेंट किस तरह से करें? कुछ नए तरीके हैं, इनोवेटिव वेज है जिससे पैसों का अरेंजमेंट किया जा सकता है स्टार्टअप के लिए। यस, और वो कहां करना? पार्ट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिच प्रेजेंटेशन। सर ये क्या चीज है बेटे? अब चलो हमको पता तो लग गया जी, पैसों का अरेंजमेंट करना, किसी से लोन लेना या किसी के पास जाना, चलो बैंक की बात नहीं करते, सपोज बैंक के पास भी जा रहे हो, बैंक के पास गया और मैंने कहा बैंक प्लीज मुझे लोन दे दीजिए, तो क्या बैंक लोन दे देगा? नहीं, हमें, हम जिसके भी पास पैसों के लिए जा रहे हो, हमें अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, पैसे क्यों लग रहा है, कैसे चुकाओगे, किस तरह का बिजनेस होगा, क्या बिजनेस करने जा रहे हो, ये सारी डिटेल्स, आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और उसी प्रेजेंटेशन को देखते हुए सामने वाला आपको पैसा देगा,
आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, और वो प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए उसी का नाम है पिच प्रेजेंटेशन। डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। सर ये क्या तरीका बेटे? यहां और अगर मैं कहूं पॉइंट नंबर 1 और 3 में ज्यादा अंतर नहीं है, पर यहां मैंने कहा इनोवेटिव वेज ढूंढना, इनोवेटिव वेज मतलब कुछ नया तरीका, और यहां कैसे जनरली कैसे पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है। अल्टीमेटली यहां जो तरीके वो यहां आ जाएंगे ऑटोमेटिक, लेकिन ना जब मैं पॉइंट 3 समझाऊंगा तो मैं अंतर समझाऊंगा कि पॉइंट नंबर 1 सर इसमें भी पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है, इसमें भी पैसों का अरेंजमेंट, तो दोनों पॉइंट तो एक जैसे ही लग रहा है। यस, लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट नंबर 1 पढ़ाऊंगा बात समझ में आएगी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो अंतर समझ में आएगा कि 1 और 3 में क्या अंतर है। ये तीसरा पार्ट है, याद रखना, पूरा SM चल रहा है, स्टडी मटेरियल, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड, कभी नाम सुना है वेंचर कैपिटल? नाम वैसे तो CA इंटर में सुना होगा वेंचर कैपिटल फंड, पर फिर भी कि एक बात बताओ, एक हल्का सा नॉलेज दे रहा हूँ भाई। ऐसा है कि जैसे जिसको भी नए आइडियाज आते हैं, मुझे भी नया आइडिया आया है और किसी को भी नया आइडिया आया होगा, पर एक बात बताओ, जो नया आइडिया है क्या हमेशा सक्सेसफुल होगा? नहीं। पर अगर सक्सेसफुल होगा तो बहुत पैसा कमाएंगे न्यू आइडिया से, और कुछ स्पेशल किया जाए, और मैं करने को तैयार हूं कुछ स्पेशल, पर सवाल ये है स्पेशल करने के लिए पैसा तो चाहिए। मैं जानता हूं जो कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया सोचा है और उससे मुझे फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा क्योंकि नया बिजनेस है बैंक नहीं देगा, और कोई भी नहीं देगा, कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा दे। हालांकि रिस्क बहुत है, रिटर्न भी मैं उसको बहुत दूंगा, सामने वाले को मैं रिटर्न भी देने को तैयार हूं, पर वो मेरे बिजनेस में, मेरे आइडिया में पैसा लगाए, और जो पर्सन ऐसा करेगा उसका नाम होता है वेंचर कैपिटल फंड। डिटेल में डिस्कशन करना है पॉइंट नंबर 4, एंड लास्ट हमको पढ़ना है स्टार्टअप इंडिया। तो टोटल मतलब इंडिया में जो स्टार्टअप हो रहा है ना, क्या है, क्या क्राइटेरिया माना, किसे स्टार्टअप माना गया है, ये सब सारी चीजें यहाँ पॉइंट नंबर 5 में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी SM है स्टडी मटेरियल वो यहीं से है, पूरा की पूरा SM आपका कवर हो जाएगा। थ्योरी जो है वो किस तरह से तैयार की, एक बुक दिया है मैंने आपको थ्योरी की, वो बुक एक्चुअल में कुछ नहीं है, बुक स्टडी मैट है। टारगेट ऐसा रहेगा कि मैं आपको पहले समझाऊंगा पूरा डिटेल में, उसके बाद सर उसके बाद होगा क्या, मैं आपको जब समझा दूंगा तो एक बार रीड भी करवा दूंगा स्टडी मटेरियल से जो मैंने आपको बुक दिया है, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। याद रखना है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिखना है, हम टू द बिल्कुल एक एक शब्द SM से उठाकर लिख देंगे, ये पॉसिबल नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में ही। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, टोटल मिलाकर कितने पार्ट में काम करना स्टार्टअप फाइनेंस, 5। 5 में से पॉइंट नंबर 1 हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, थोड़ा बहुत नोट्स तैयार रहेगा तो ज्यादा अच्छा। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट,
बात यह है कि मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूं, कुछ नया बिजनेस। पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, पैसों का अरेंजमेंट कहां से हो सकता है? क्या बैंक से लोन लिया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, बैंक लोन नहीं देगा। बैंक तब लोन देता है जब आपका ऑलरेडी बिजनेस है, ऑलरेडी मतलब बैंक जनरली रिस्क नहीं लेना चाहता। तो बैंक जो है वो तो ट्रेडिशन है, वो तो छोड़ दो कि यार बैंक से लोन लेके करेंगे, वो बात की बात। उसके अलावा और पैसों, बैंक को एक मिनट के लिए भूल जाइए, और पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से हो सकता है? अब तो बड़ा मुश्किल है सर। अब अगर देखा जाए तो बचा क्या, घर बेचो, घर गिरवी रखो, या फिर दोस्तों से घर गिरवी रखना। बेटे तो कोई सवाल नहीं है, घर गिरवी रख के पैसे लेना, या फिर हमारे पास कोई सामान है उसको बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे, ये भी बेवकूफ़ी वाली बात है। सर, हम अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लेंगे, रिलेटिव से? बेटे कौन आपको मदद करेगा, बेकार की बात है। दोस्तों से पैसे लोगे, रिलेटिव से पैसे लोगे, एक तो पैसे मिलने के चांसेस नहीं है, और चलो मिल भी गया, वापस नहीं करोगे तो दिक्कत में खड़ी हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अब सवाल है पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। पहला, सबसे पहली बात, पैसे देने वाले देंगे। और आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोस्तों से पैसे मत लो, ले लीजिए, पर वो एक बिजनेस की तरह डील करना कि आपने बिजनेस के लिए लोन दे, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। कि प्रॉपर राइटिंग में हो तो ज़्यादा मजा। खैर, मैं वन बाई वन बात करूँगा। सबसे पहला ये है कि आप कभी भी, जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, खुद का पैसा लगा होना जरूरी है। सर, एक बात बताऊं, मैं किसी से बोलता हूं कि प्लीज मेरे बिजनेस में पैसे डालिए, तो सामने वाले तो पूछेगा ना, भैया आप अपना कितना डाल रहे हो? सर, आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, आपके पास कुछ ना कुछ तो सेविंग्स होगी, उन पैसों को लगाइए। खुद का पैसा लगाओगे तभी बाकी इन्वेस्टर्स भी आपके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। सीधी सी बात है, आप घर खरीदते हो तो क्या 100% फाइनेंस हो जाता है? नहीं। उसमें भी क्या बैंक बोलता अपना पैसा लगाओ? यस, बैंक 80% ही फाइनेंस करता है अपना पैसा, तो उसको बोला जाता है पर्सनल फाइनेंसिंग। खुद का पैसा लगा होना जरूरी है, चाहे आपने सेविंग्स किया हो या किसी भी तरीके से। सबसे पहले बिजनेस में खुद का पैसा डालोगे, तो अगर इनोवेटिव वेज की बात करो, हालांकि ये इनोवेटिव तो नहीं है, पर ये बात याद रखना है, फर्स्ट पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल फाइनेंसिंग, बस इतना है। दो वजह, खुद का पैसा लगाइए, दूसरा, जो भी आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा वो ये जानने की जरूर कोशिश करेगा कि आपने अपने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट खुद से किया। इसलिए कभी भी स्टार्टअप हो रहा है, भाई सर जी खुद का पैसा लगाने, ठीक है, पर्सनल फाइनेंसिंग। दूसरा क्या हो सकता है, बिजनेस के नाम से तो पैसा मिलना नहीं है सर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले भी आपका बैंक के साथ तो कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा? यस, उनसे बात कीजिए, उनसे बिजनेस के नाम से उधार मत लीजिए, अपने अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से आप उधार ले सकते हो कि प्लीज मेरे पर्सनली मुझे उधार दे तो बात करते। क्या ऐसा कर सकते हो? क्या आपने ऑलरेडी बैंक में इतना कुछ क्रेडिट बनाया होगा कि आपके नाम से लोन मिल सकता है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह? तो अगर मिल सकता है, हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर अगर मिल सकता है तो उस नाम, बिजनेस के नाम से पैसा नहीं मिलने वाला सर, उस नाम से पैसे उठाइए और आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इसको बोला जाता है पर्सनल क्रेडिट लाइन, पर्सनल क्रेडिट लाइन। पर्सनल फाइनेंसिंग मतलब खुद का पैसा, जो सेविंग्स वगैरह, और दूसरा बैंक से पैसे लीजिए पर्सनली। लेकिन याद रखना, इसमें भी बैंक पैसा तभी देगा जब बैंक को पता रहेगा कि आपके पास, आप इस हालत में हो कि पैसे चुका सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, पर्सनल क्रेडिट लाइन बोला जाता है इसको। तीसरा, और पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से होगा सोचते हैं, सर दोस्तों से ले लेते, दोस्तों से ले लो, हालांकि दोस्तों से लेना थोड़ा रिस्की है, रिलेशन खराब, पर दोस्तों से जो पैसे लो बिजनेस की तरह, कि प्रॉपर राइटिंग में हो जाए, दोस्तों से या रिलेटिव से बोलो कि ठीक है हम आपको इतना देंगे, साथ में आपको एक समय बाद पैसे वापस करेंगे, प्रॉपर राइटिंग में होना चाहिए, तभी फायदा।
इट मींस तीसरा और कहां से, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहां से भी पैसों का अरेंजमेंट किया जा सकता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है सर, तो कहां, मैं याद भी करवाने की कोशिश करूंगा, कहां कहां से पैसे लो, खुद का लगाओ, बैंक से ले ले लीजिए, पर्सनल नाम से, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, दोस्तों से, रिलेटिव से, ठीक है, और पैसों का अरेंजमेंट। एक होता है माइक्रो लोन, होता क्या है यार, जिससे भी लोन लो, क्या होता है कि एक साथ अगर मैं किसी से ये बोलूं कि मुझे 1 लाख रुपए, छोटा अमाउंट ले लो, 1 लाख रुपए की जरूरत है किसी एक पर्सन से, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस पर्सन के लिए भी जो 1 लाख रुपए देने वाला, वो कहेगा भैया 1 लाख सर बहुत बड़ा अमाउंट है, पर हम ऐसा कर सकते हैं ना, 10,000 आप दे दो, 10,000 आप दे दो, 5,000 आप दे दो, इस तरह से टुकड़ों में लोन ले सकते, छोटे 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 लोन ले लो, ये मिल जाता है इजीली, लोगों के पास इतना रखा रहता है, सेविंग्स रहती, वो कहता ठीक है भाई हमारे पास पड़ा है आप रख लो, बिजनेस में यूज कीजिए। इसको बोला जाता है माइक्रो लोन, छोटे छोटे लोन, एक साथ बड़ा बहुत सारा पैसा लेना मुश्किल होता है। इट मीन्स आप इस तरह से भी पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, माइक्रो। तो इस तरह से काम हो सकता है, यस, पर्सनल फाइनेंसिंग हो सकता है, पर्सनल क्रेडिट लाइन, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड माइक्रो लोन। और कहां से हो सकता और है बेटे, एक वेंडर फाइनेंसिंग, सर जी ये वेंडर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है बेटे, बात मैं अभी समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। वेंडर फाइनेंसिंग मतलब मुझे गुड्स बेचना है, हाँ सर, तो कहीं ना कहीं से गुड्स खरीदना पड़ेगा और उसी को तो मैं बेचूंगा, यस सर, या फिर मैं मटेरियल खरीदूंगा, उससे प्रोडक्शन करवाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, फिर बाहर बेचूंगा, ओके सर, पर मटेरियल खरीदूं किससे? अच्छा मान लो किसी से मटेरियल मैं खरीद रहा, सप्लायर, सर सप्लायर का नाम बोलो, ए लिमिटेड, मैं ए लिमिटेड के पास गया, मैंने कहा मुझे मटेरियल चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या वो आपको मटेरियल उधार दे सकता है? मे बी मे नॉट, कुछ भी हो सकता, पर मैं उससे बोलूं प्लीज मुझे पैसे उधार दो और जो आप पैसे उधार दोगे उन्हीं पैसों से मैं आपके यहाँ का मटेरियल खरीदूंगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है भाई, मटेरियल ही उधार दे दो, पर ऐसा होता है। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन कि मैंने कार फाइनेंस करवाया, रेनॉल्ट, अगर मैं कार फाइनेंस करवाया तो मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं कार के लिए हायर परचेज बेसिस पे फाइनेंस करवाया हूँ तो मुझे फाइनेंस करवाना, तो फाइनेंस करवाना मतलब मुझे दूसरे बैंक से, दूसरे बैंक मुझे चेक देगा, वो मैं रेनॉल्ट को दूंगा और वहाँ से कार ले आऊँगा, सिंपल सी बात यही होती है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि रेनॉल्ट फाइनेंस करके चल रहा है और वो लोग क्या बोलते कि सर जी, वो ये बोलते कि आप हमारे यहाँ से फाइनेंस करवाइए, हम आपको पैसे देंगे और उन पैसों से आप हमारे यहाँ की कार खरीद लीजिए, दिस इज वेंडर। इट मीन्स सामने वाले से पैसे उधार लेकर, सप्लायर से पैसे उधार लेकर, सप्लायर से ही आप मटेरियल खरीद लीजिए, दिस इज वेंडर फाइनेंसिंग। अच्छा सर ऐसा होता है, हाँ जी सर, फायदा क्या, इंटरेस्ट मिलता है सामने वाले को और कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा क्या हो सकता, दूसरा क्या हो सकता कि आप सप्लायर से ये बोलो कि जी ऐसा है कि अभी मटेरियल तो दे दीजिए और हम आपको 30 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो होता ये एक टाइप का फाइनेंसिंग है, जो पैसे मुझे आज देना था मुझे 30 दिन बाद देना, या फिर 30 दिन के लिए देते हैं वो उधार तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा बढ़ा तो 45 डेज बाद पेमेंट करेंगे, वो आपके नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। इट मींस मटेरियल हमें अभी मिल जाए और पैसे अभी ना, और हम उसे मैन्युफैक्चरिंग कर ले, क्योंकि पैसे तो लग ही नहीं रहा, मटेरियल अभी मिल जाए और फिर उसको हम बेच दे जब तक के लिए हमको फाइनेंस हो जाए, दिस इज वेंडर फाइनेंसिंग, आराम से पैसे देता, ये भी एक तरीका। अच्छा सर, सर और क्या, सिक्स, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंस, सर ये क्या है परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंस? हाँ जी ये मैं पक्का आपको समझाऊंगा, सुनोगे ध्यान से।
सपोज ये मेरी कंपनी, बेटे बिल परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंस ध्यान से समझना, ये हमारी है कंपनी, ओके। अब हमारे पास, हमने स्टार्ट किया बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट किया तो कस्टमर्स भी आ गए, कस्टमर्स, कस्टमर्स, और कस्टमर्स क्या कहते हैं, कस्टमर्स ने कंपनी से कहा कि हम आपको ऑर्डर प्लेस करते, ऑर्डर, इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें गुड्स चाहिए, क्रेडिट पे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सर कंपनी के पास पैसे कहाँ है, सबसे बड़ी समस्या, ऑर्डर पर ऑर्डर्स आ रहा है और कस्टमर ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है सप्लायर, ये लो भाई ये ले लो सप्लायर, ये सप्लायर, अब प्रॉब्लम है इसको पैसे कहां से दिए जाए, हम यहां से मटेरियल खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद यहां इनको सेल करेंगे और उसके बाद ये कुछ दिनों बाद पैसा देंगे, लेकिन सप्लायर हमें मटेरियल देगा, सप्लायर से बात करें कि प्लीज मटेरियल दे दो, उन्होंने कहा नहीं पैसे चाहिए कैश, भाई नया बिजनेस में हमको लगानी नहीं है, इन्होंने कहा नए बिजनेस वाले को हम उधार नहीं देते। अब सवाल ये है, ऑर्डर आ भी रहा है, करे तो क्या करेगा, पैसे तो है ही नहीं, अब मैं कस्टमर से बोलूंगा कि आप पैसे दो तो गलत बात है, बिजनेस कैसे चलेगा, कस्टमर तो ये कहेगा भाई ये गुड्स तैयार तो करो, जब तैयार हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, उसके बाद हमसे पैसे ले लेना, तो हम मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो कैसे बनाए, मटेरियल चाहिए और मटेरियल के लिए सप्लायर देने को तैयार नहीं है, तो एक नया पिक्चर में आया जिसका नाम है परचेसिंग ऑर्डर कंपनी, इसका नाम परचेसिंग ऑर्डर कंपनी। अब ये क्या करेगी, ये बेटे ये कंपनी क्या करने वाली, ध्यान से समझ रहा हूं, इधर से ऑर्डर मिला और इधर से इन्होंने परचेस करने का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ये दोनों जो कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी यहां जमा कर दिया गया, किसके पास जमा हो गया, परचेसिंग ऑर्डर कंपनी, परचेसिंग ऑर्डर कंपनी जो है वो देखेंगी कि यार क्या देखेगी बेटे, कि बताओ कस्टमर से ऑर्डर्स आए हैं कि नहीं, और आपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं, फाइनल होगा कि हाँ आपने ऑर्डर प्लेस किया है, अब परचेसिंग ऑर्डर कंपनी क्या है, इनको पेमेंट कर देगी कैश अभी। अच्छा दोनों ही चीजें कंफर्म करेंगे, वो ये भी डिपेंड करता है कि कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक किया जाएगा, क्रेडिट रेटिंग, कि कस्टमर पैसे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, सब ये परचेसिंग ऑर्डर कंपनी का काम है। ये क्या करेगी, ये अभी के अभी कैश दे देगी, और ये क्या कर देगा, मटेरियल दे देगा, और इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कर देंगे, इनका पैसा नहीं लगा है, इस कंपनी का पैसा नहीं गया, इस कंपनी को पैसा किसका गया, इसका परचेसिंग ऑर्डर कंपनी का, इस कंपनी को मटेरियल मिल गया बिना पैसों के, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग करके इसको क्या कर देगी, सेल कर देगी, टेंशन खत्म, बना भी लिए बेच भी दिए। अब सवाल ये है इनको कैसे पैसे मिलेंगे, या तो कस्टमर इसको देगा या फिर डायरेक्ट इन्हीं से कैश ले लिया जाएगा और जो प्रॉफिट है वो इनका हो जाएगा। दिस इज परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग में कुछ है नहीं है, एक कंपनी है परचेसिंग ऑर्डर कंपनी जो सप्लायर को पेमेंट कर देती है और सप्लायर मटेरियल दे देता है और ये मैन्युफैक्चरिंग करके बेच देते हैं और इधर से कैश इनको मिल जाता है। ये अच्छा तरीका है, अगर सप्लायर तैयार नहीं है फाइनेंस के लिए तो आप इन लोगों से भी पैसों की बात कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड था परचेसिंग ऑर्डर कंपनी वाला, ठीक है सर। सर और कहां से हो सकता है, सेवा, फैक्टर, सर फैक्टरिंग जो नाम है वो सुना है क्या, यस आपने कहाँ पढ़ा है, सीए इंटर में, फैक्टरिंग, सर फैक्टरिंग होता क्या, फैक्टरिंग सुनो क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि चलो भैया मटेरियल का तो हो गया अरेंजमेंट, अब मटेरियल का हो गया माल, गुड्स तो बेचोगे, मान लो आपने सप्लायर से कहा कि ठीक है भाई बाद में पैसे ले लेना मुझसे,
एक महीने बाद पैसे दे देना। आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, बेच दिया गुड्स, क्या गुड्स जो है वो कैश में ही बिकेगी? अगर आप कैश में बेचोगे तो सर जी उतना सेल्स ही नहीं होगा। मार्केट जो है, मार्केट में आपको उधार बेचना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। अब बिना आप सोच रहे कि कैश कैश में पूरा काम करेंगे बिजनेस, तो फिर तो घर में बैठो कैश में, अगर पूरा काम कैश में हुआ तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा। आपको कस्टमर्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको उनको उधार माल बेचना पड़ेगा ताकि वो आगे फ्लो कर सके, आगे गुड्स बेच के फिर आपको पैसे दे सके। अब सवाल है कि लाखों का माल मैंने उधार बेच दिया, इधर से उधार लिया था, इधर उधार बेच दिया, अब उधार बिक गया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बाद में पैसे देंगे, अब मैं कहां से तैयारी करूं? अब प्रॉब्लम है, क्या मेरा पैसा फंस गया है? यस, कहां फंस गया? डेटर्स में, जिनको मैं उधार माल बेचा हूं वो तो 2 महीने बाद पैसे देंगे, और जो पैसे देंगे वो तो उधर चला जाएगा, फिर फंस जाओगे आप। अब प्रॉब्लम ये है, क्या किया जाए? और जब वो 2 महीने बाद आएंगे, फिर से ध्यान से सुनना, जो कस्टमर्स अभी गुड्स ले गए उधार, वो आएंगे 2 महीने बाद पैसे लेकर, पर वो पैसे देंगे तो उस समय और गुड्स मांगेंगे। सवाल ये है कि आखिर जो डेटर्स में पैसा फंसा है, डेटर्स लाखों के डेटर्स है, 2 महीने बाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उन डेटर्स को क्या बेचा जा सकता है? फैक्टरिंग एजेंसी नाम सुना है मैं, लाखों 10 लाख के डेटर्स, हालांकि 10 लाख रुपए, 10 लाख के डेटर्स मैंने एक फैक्टरिंग एजेंसी को बेच दिया। मैंने कहा ये लो और मुझे अभी पैसे दे दो, पूरा नहीं मिलता, थोड़ा सा काट के मार्जिन वार्जिन काट कर मिलता है, और मैंने उस फैक्टरिंग एजेंसी से पैसे ले लिए। अब कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी? फैक्टरिंग एजेंसी। मैं कहूंगा जाओ जाके डेटर से पैसे वसूल करो, मेरा टेंशन खत्म। और वो इट मीन्स जो मुझे पैसे 2 महीने बाद मिल रहे थे वो मुझे अभी पैसा मिल गया, और अभी फिर मैं काम अपना स्टार्ट कर दूंगा। इसे कहा जाता फैक्टरिंग। आप अपने रिसीवेबल को, अपने डेटर्स को किसी को सेल कर सकते हो और पैसे भी कलेक्ट कर सकते हो, दिस इज अ फैक्टरिंग। डिटेल में अभी समझाऊंगा जब टॉपिक आते रहेंगे, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इट मीन्स थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं, ये रटवाना मुझे, मेरे लिए जरूरी है। पहला, इनोवेटिव वेज क्या हो सकता? सर जी पहले तो क्या है, खुद का पैसा लगाओ, खुद का पैसा लगाओगे तो लोग पैसे लगाएंगे। एक्जैक्टली। दूसरा, अगर आपका बैंक में अच्छा लेन देन है तो बिजनेस के नाम से मत, तो अपने नाम से उधार ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है, हाँ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तीसरा, दोस्तों से उधार लीजिए, रिलेटिव से उधार लीजिए, लेकिन ये लिखित में होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और एज ए बिजनेस की तरह होना चाहिए, तभी काम होगा। अगर आपको कहे कि यार दोस्त है ले लो बाद में दे देना, वो नहीं चलेगा, फैमिली से भी पैसे ले सकते। दूसरा, एक साथ बहुत बड़ा लोन लेने की अपेक्षा, किसी से बोलो 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उधार दो तो घबरा जाएगा, पर उससे कहो 10,000 दे दो, 10,000 किसी और से लूंगा, 10,000 किसी और से लूंगा, तो क्या हो सकता है काम? यस, माइक्रो लोन, वैसे भी काम हो सकता है माइक्रो लोन। वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब क्या समझे थे? वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब ये समझे थे कि जिससे मटेरियल खरीदने जा रहे हो सर, उसी से पैसा उधार लेके उसी से मटेरियल खरीद लो, या फिर उससे ये बोलो कि आप मुझे थोड़ा सा 30 दिन, 45 दिन, 90 डेज के लिए कम से कम उधार दे दो, दिस इज वेंडर। परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या था? परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग ये था कि यार सप्लायर नहीं मान रहा है, सप्लायर नहीं मान रहा है, तो आप सप्लायर ऑर्डर आ चुके हैं, सप्लायर मटेरियल उधार दे नहीं रहा, तो आप परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग के पास, कंपनी के पास चले जाइए, उससे कीजिए कि आप सप्लायर को पेमेंट कर दो, मैं सप्लायर से मटेरियल खरीद के गुड्स भेज दूंगा, और जो मेरे कस्टमर्स है वो आपको पेमेंट कर देंगे, दिस इज परचेसिंग ऑर्डर कंपनी, ये काम करेगी, दिस इज परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंस। फैक्टरिंग क्या होता था? सर फैक्टरिंग ये होता था कि आपने जो उधार माल बेचा है वो पैसा ब्लॉक हो गया, तो वो जो डेटर्स है वो किसी को सेल कर दीजिए और बदले में अभी पैसे ले लीजिए, कलेक्शन का भी जिम्मेदारी उनकी आ जाएगी, और उन पैसों को यूज कीजिए अपने बिजनेस में। इसके अलावा 2 नई चीज, क्राउड फंडिंग है, और एक है पीयर टू पीयर लैंडिंग। सर क्या है बेटे ये सब? तो ये दोनों चीजें जो है ये वेबसाइट के थ्रू है। अगर मैं कहूं पीयर टू पीयर लैंडिंग होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज नाम सुना है कि आपने? हाँ सर। क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? कुछ नहीं सर, शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। क्या स्टॉक एक्सचेंज बेचता है? नहीं सर,
दो पर्सन होते हैं, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, स्टॉक एक्सचेंज उन दोनों के बीच में डील करवाता है। ठीक वही काम होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग में। ना जाने कितने लोग हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक्चुअल में दिखाऊंगा कैसे काम होता है, पर पीयर टू पीयर लैंडिंग में होता क्या है, ना जाने कितने लोग हैं जो उधार मांगना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, ओके, और ना जाने कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सर तो वो बैंक में करें, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो ना जाने जो ज़्यादा रेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और पीयर टू पीयर लैंडिंग बहुत सारी कंपनी है वो आपस में दोनों पर्सन को मिला देती है, OLX जैसा, स्टॉक एक्सचेंज जैसा, एक लोन लेने वाला एक लोन देने वाला, दोनों के पेपर्स वेपर्स दोनों एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन पर एग्री हो जाते हैं, और अगर एग्री हो गए तो बात खत्म हो गई। इस तरह से काम होता पीयर टू पीयर लैंडिंग। ये सर ये बिल्कुल नया है, यस, और ये मैं आपको कहाँ दिखाऊंगा, मैं आपको वेबसाइट पर ले चलूंगा इसकी कि किस तरह से डीलिंग होती है, ठीक है। और सर क्राउड फंडिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग भी वेबसाइट, क्राउड फंडिंग में होता क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म सपोज प्लेटफॉर्म जैसे सर अमेजन जैसे और भी फ्लिपकार्ट सुना होगा ना, या फिर ऐसे समझ लो एक वेबसाइट है फेमस जिसमें बड़े बड़े विजबैरी वगैरह की है, पर फिर भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं अपना प्रोजेक्ट सर क्या करने वाला हूँ, मैं टीचिंग करने वाला हूँ, SFM की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और पैसा लग रहा है सर 5 लाख रुपए, तो लगेगा कम से कम, रिकॉर्ड होने में करीब करीब 3-4 महीने लगेंगे, 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि मैं SFM की क्लासेस रिकॉर्ड करने वाला हूँ और 3-4 महीने लगेंगे और मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज आप, मैं पब्लिक से बोल रहा हूँ उस वेबसाइट के थ्रू कि प्लीज आप मेरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाइए, आप 1,000 रुपए भी लगा सकते हो, 5,000 रुपए भी लगा सकते हो, बदले में आपको क्या फायदा, बदले में SFM की क्लासेस 4 क्लासेस फ्री दी जाएगी जो 5,000 रुपए लगाता है। इस तरह से क्राउड फंडिंग में पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है, बदले में और भी कुछ, बदले में बहुत सारी, मैं पर्सनली आकर उनके डाउट्स क्लियर करूंगा जो 500 रुपए लगाता है, तो इट मैं वो ये भी वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है जो 1,000 रुपए लगाएगा उसको 4 महीने बाद इतना इतना पैसा वापस होगा, ये भी बोला जा सकता है, ये क्या हो गया आपका क्राउड फंडिंग। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो कितने वेज है फाइनेंस के, तो टोटल मिलाकर 9 है, ये दो मैं अभी भी वेबसाइट के थ्रू आपको ले चल रहा हूँ, क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लैंडिंग। पर यह आपको याद करना पड़ेगा सर, एक समस्या है, सुना ध्यान से, समस्या क्या है, समस्या ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या हमको 9 पॉइंट लिखना पड़ेगा पूरे, क्या 9 याद रह पाएगी, हो सकता 9 याद ना रहे, पर मैं आपको ऐसी भी आंसर शीट दिखाऊंगा जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन, और बच्चों ने सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखे, कोई भी 4, और उनको पूरा 4 की 4 नंबर मिला, तो पता नहीं 9 पॉइंट आपको याद रहे ना रहे, 4 तो आपको याद करना ही पड़ेगा सर, कोई भी 4 याद कर लो, और 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप भी जानते हो, तो कोई भी 4 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, अगर 9 याद रहते तो लॉटरी लग गई फिर तो। दूसरी बात सर, जैसे पर्सनल फाइनेंसिंग, इसके अंदर जो लिखना है वो बुक की लैंग्वेज लिखना नहीं सर, नहीं, जरूरत ही नहीं, इसके अंदर जो लिखना, जो मैं समझा सकता हूँ वो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। एक बार फटाफट से रिविजन करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसों का, खुद का पैसा लगाना है, दूसरा बैंक से उधार ले लीजिए, खुद का पैसा लगाना मतलब पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा बैंक से पैसे उधार लीजिए, और बैंक से पैसे उधार लोगे तो पर्सनल नाम से, ठीक है, ओके सर, खुद के क्रेडिट लाइन से, पर्सनल क्रेडिट लाइन, और एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे मांगने की अपेक्षा आप लोगों से उधार भी लेना है तो थोड़े थोड़े पैसे, माइक्रो लोन, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी आप पैसे उधार ले सकते हो, पर इन राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वेंडर फाइनेंसिंग में आपको समझा चुका हूँ, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग, और किसकी बात किया था मैंने, इसके अलावा फैक्टरिंग। अब दो चीज़ें मुझे ले जाना है, ले चलना है आपको वेबसाइट पे, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो मैं इसमें ये समझाने वाला हूँ कि किस तरह से डील होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, तो ये पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9
मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा इंटरनेट से काम करते, वो ज्यादा अच्छा। तो दो चीजें हैं जिसमें मुझे आपको समझाना है कि पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है और क्राउड फंडिंग क्या होता है। पहली जो बात करूंगा मैं पीयर टू पीयर लैंडिंग। अब पीयर टू पीयर लैंडिंग मैंने एक वेबसाइट खोल रखा है OML P2P, P2 का मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग, कुछ इस तरह से वेबसाइट होती है। मैं बात कर रहा हूं पैसों का अरेंजमेंट कैसे। इसमें दो ऑप्शन है, आपको बोरो करना है कि आपको इन्वेस्ट करना है। सर जी मुझे तो बोरो करना है, तो ये बोरो करना है तो ये काम होगा बोरो मनी ऑनलाइन। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये प्रोसेस करना होता है एक्चुअल में, कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल है। रजिस्टर्ड करो, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डाल दो, आपको पैसे चाहिए स्टार्टअप फाइनेंस के लिए, मोबाइल नंबर वगैरह डालो, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वासवर्ड आ जाएगा, अपनी पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिटेल देना पड़ेगा कि आप कौन हो क्या हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा, फिर आपको कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, कमिटमेंट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, और इसके बाद आपके फंड में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, और फिर आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो ईमेल। सर पैसा कौन ट्रांसफर करेगा? पैसा हम बोरो कर रहे तो कोई ना कोई इन्वेस्ट करने वाला होगा, वो पैसा ट्रांसफर करेगा। अगर मैं कहता हूं इसमें इन्वेस्टर के लिए भी, यस ये इसलिए समझा रहा हूं, अगर सपोज आपको इन्वेस्ट करना है तो भी आप काम कर सकते हो। आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस है, दो टाइप के लोग आते हैं इसमें, बोरो करने वाले और इन्वेस्ट करने वाले। इसमें भी रजिस्टर्ड करोगे, लॉग इन पासवर्ड पर्सनल डिटेल्स आएगा, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके अपलोड करना पड़ेगा, इसके बाद आप चॉइस करोगे कि आप किसको पैसा देना चाहते हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज दोगे, फिर इन्वेस्टर्स का कुछ कमिटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, फिर आपका फंड आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर आपको इंस्टॉलमेंट मिलने लगेगा। इट मीन्स पीयर टू पीयर लैंडिंग में दो पार्टी होती है, एक पैसा देने वाला, एक पैसा उधार लेने। सर ऐसा अभी कोई चल रहा है कि हाँ ये बोरिंग लिस्टिंग है, इसको मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है, अभी मैं आपको इसके विषय में ये बता देता हूँ इसमें कि कितने लोग हैं जो बोरो कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ पहला एप्लीकेंट, देखना बेटी ये ध्यान से देखना, सपोज मुझे बोरो करना है तो मुझे क्या लगेगा, एप्लीकेंट आईडी दिया है, बोरोअर आईडी दे रखा, ए सिटी वगैरह दिल्ली विल्ली का है, कितना रुपए चाहिए इनको, 3 लाख रुपए चाहिए, कुछ OML रिस्क ग्रेट मतलब वही क्रेडिट रेटिंग टाइप का है, इसको किस लिए, पर्पस क्या है, वर्किंग कैपिटल। और सुनो भाई साहब ये 22% इंटरेस्ट देने को तैयार है, 22% टेन्योर है 24 महीने, EMI आएगी 15,563 रुपए। क्या कोई ऐसा है जो 3 लाख रुपए लोन दे सकता है? अच्छा सर इसके काम क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी मंथली इनकम 1,44,000 रुपए और वो BSc पास है। डॉक्यूमेंट्स चेक करना आप यहां से कर सकते हो। सर अभी तक इसको पैसा मिला कि नहीं मिला? मिल गया भैया, चाहिए कितना था, 3 लाख, इसको अभी तक 2,54,000 रुपीज मिल चुका है, और अगर किसी को लगाना तो 46,000 लगा सकता है और 22% इंटरेस्ट कमाएगा। सिंपल, तो आपको बस यहां अपनी इंफॉर्मेशन देना। अगर इसकी भी बात करें आगे तो और एक पर्सन मुंबई का है जिसको 50,000 रुपए की जरूरत है, 22% इंटरेस्ट, और पर्पस क्या है, होम का इंप्रूवमेंट करना। खास बात यह है उसको अभी तक पूरा की पूरा पैसा मिल चुका, जो 50,000 चाहिए था 50,000 मिल चुका, और कितने दिनों में वापस करने वाला है, टेन्योर कहीं ना कहीं दिया होगा, 18 मंथ दिया होगा। तो इस तरह से काम होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। ये सर क्यों मैं इतना धीरे, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहने वाला, पीयर टू मुझे भी स्टार्ट करना है बिजनेस, तो मैं अपने बोरोइंग की लिस्ट में ये डाल दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नो डाउट ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो लोग मुझको हो सकता है पैसा उधार देते, ठीक है। इसी के बाद अब क्या अब और किस मैटर पे समझाना है, क्राउड फंडिंग कैसे काम करता है। तो चलो क्राउड फंडिंग पे लेकर आते हैं, तो अब अगला साइट चलते क्राउड फंडिंग। बात कर रहे हैं हम लोग क्राउड फंडिंग की, तो क्राउड फंडिंग के लिए मैंने एक वेबसाइट खोल रखा है, कौन सा वेबसाइट है, विश बैरी करके, विश बैरी।
और मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें यार होता क्या, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि यार मुझे पैसे चाहिए। अब मुझे पैसे चाहिए तो यार क्या प्रोजेक्ट है सर आपका? बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहाँ जो चल रहा है। अगर मैं ये देखूँ, एक प्रोजेक्ट ये है कशिश 2020 मूवी बनाना, मूवी, अच्छा शॉर्ट मूवी होगी, ये फिल्म बनाना है और इसके लिए फंड चाहिए। और फंड में अभी तक पैसा आया नहीं है, 59 डेज का टारगेट है कि 59 डेज में फंड आ जाना चाहिए। बहुत कम टाइम लेते हुए सीधी सीधी आपसे बात करता हूँ। तो ये कशिश मूवी 2020, इसका ये है आपको कितना टारगेट, कितना है 6 लाख रुपए, अभी तक पैसा आया नहीं है। और आप कितने पैसे लगा दे सकते हो? आप 1000 रुपए भी दे सकते हो, आप 2500 रुपए भी दे सकते हो, आप 3500 भी दे सकते हो, आप 5000 भी दे सकते हो, आप 7500 भी दे सकते हो, इट मीन्स 12500 भी दे सकते हो, अलग अलग। सर बदले में हमको मिलेगा क्या? अगर देखो, अगर आप 1000 देते हो तो 1000 रुपये लगाओ, अगर आप 1000 देते हो तो आपको 1 फ्री डेलीगेट रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टू कशिश 2020 एंड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा फ्रेंड ऑफ कशिश। अगर आप 2500 रुपये देते हो तो आपको टी शर्ट मिलेगी। इट मीन्स सीधी सी बात ये है कि अगर मैं अब मुझे मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं विस बैरी में, और मैं क्या करवाना चाहता हूं, मैं क्लास रिकॉर्ड करके बेचना चाहता हूं, मेरा एक बिजनेस है, दिस इज माय स्टार्टअप, और बदले में मुझे पैसा चाहिए। और जो पैसा लगाएगा, या मैं ऐसा लिख सकता था, या आप 1000 रुपीज भी दे सकते हो, आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे आज से 4 महीने बाद। इस तरह से अलग अलग डिजाइन किया जा सकता। तो मैंने आपको ये बताया कि इस तरह से काम होता है, ठीक है सर। तो इस तरह से प्रोजेक्ट स्टार्टअप फाइनेंस में इसका बड़ा रोल है। आप ये सारी चीजें विस बैरी इसके थ्रू, जैसे और एक यहां देखो, एक कोई म्यूजिक है और ये इनका, बेटे बेटे ध्यान से समझना, अगर इस पे जाऊं और ये म्यूजिक जो बनाना चाहते हैं, इनका क्या टारगेट है, इनको कितना रुपया चाहिए, तो ये सारी भी चीजें, कितना पैसा मिल चुका है, क्या लिमिट है, कितने डेज, ये सारा के सारा इसमें होता है। ज्यादा अच्छा आप सीधा साइट ओपन कर लीजिएगा सर, देख लीजिएगा कि किस तरह से काम होता है, ठीक है। तो अब बात को समझना है, हमने जो किया, हमने अगर देखा जाए तो सीधी सीधी बात है कि हम लोगों ने अभी तक दो चीजें अच्छे से समझा। एक हो गया क्राउड फंडिंग के विषय में मैंने आपको समझाया, यस सर। दूसरा क्या समझाया? पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो टोटल मिलाकर 9 तरीके हैं इनोवेटिव वेज के, 9 तरीके। अब 9 जो मेथड्स है, 9 जो तरीके हैं, सबको 1 by 1 रीड कर लेते हैं, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, हमारी पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। इनोवेटिव वेज, इनोवेटिव वेज का अब एक काम करते हैं, कुछ मैंने मेथड्स बताया था पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से हो सकता, समझा दिया, एक बार रीड कर लेते हैं स्टडी मटेरियल से। इसमें लिखा सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्ट। पहला क्या था? पर्सनल फाइनेंसिंग। पर्सनल फाइनेंसिंग में अगर मुझे, देखो पहली बात तो हेडिंग तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके अंदर का क्या लिखे। अगर मैंने कहा इसके अंदर के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये है कि यहाँ जो पर्सन है वो खुद का पैसा नहीं लगाता। ये कोई इनोवेटिव वे नहीं है, पर बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो खुद का सेविंग्स नहीं लगाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिजनेस कर रहे तो भाई खुद का पैसा तो लगाना पड़ेगा। और पब्लिक आप पर कब विश्वास करेगी? जब, बेटे यही बात आपको लिखना पड़ेगा, 2 पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विल नॉट पुट मनी If they see that you have not contributed any money, it means 2 चीजें मेरे लिए काम की है। खुद का सेविंग लगाना है, क्योंकि पब्लिक आपके यहाँ, इन्वेस्टर्स आपके यहाँ तभी पैसा लगाएंगे जब आप खुद अपना पैसा लगाओ। This is personal financing। दूसरी बात क्या था मैंने? Personal credit line। Credit line का मतलब यार, अगर आपका किसी बैंक से पहले से डील है तो आप बिजनेस के नाम से तो लोन नहीं ले सकते, पर पर्सनल नेम से लोन ले सकते हैं, जिसे क्रेडिट कार्ड एक एग्जांपल है। मैं सारी चीजें रीड नहीं करूंगा, ये आप करोगे, लेकिन बैंक तभी देगा जब आपके पास इनफ कैश फ्लो होना चाहिए रिपे द लोन। हालांकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है।
आगे चलेंगे तो आगे फिर मैंने तीसरी बात किसका किया था कि आप किससे और लोन ले सकते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स से लोन ले लीजिए, पर फिर एक बात याद रखना पड़ेगा इसके अंदर, हालांकि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपको दे सकते हैं लोन आपका, चाहे आइडिया वर्क कर रहा हो या नहीं कर रहा। पर जब भी रिलेटिव से लोन ले रहे हो तो इस ये कैसे होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अलावा सर कहां से, पीयर टू पीयर लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, पीयर टू पीयर लर्निंग। पीयर टू पीयर लर्निंग में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो साथ में आते हैं, एक दूसरे को पैसा देते हैं, एक दूसरे को पैसा, वेबसाइट के थ्रू मैं बात कर चुका कई सालों से है, ये किस पर होता है, दोनों एक दूसरे पे, और जिसमें सपोर्ट करते हैं ईच अदर को। क्राउड फंडिंग में क्या होता था, क्राउड फंडिंग में मैंने ये बताया था कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, छोटा छोटा लोन ले सकते हो, किससे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स न्यू बिजनेस के लिए। क्राउड फंडिंग जो है वो वास्ट नेटवर्क ऑफ पीपल, और ये किसके थ्रू होता है, सोशल मीडिया, वेबसाइट, सोशल मीडिया के थ्रू आप क्राउड फंडिंग का अरेंजमेंट कर सकते हो, या फिर आप किसका यूज करोगे, वेबसाइट। अब इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा है माइक्रो लोन। माइक्रो लोन मतलब छोटा छोटा लोन, स्मॉल लोन, छोटा छोटा लोन ले लीजिए। इसके अलावा वेंडर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग का मैंने क्या एग्जांपल बताया था आपको, वेंडर फाइनेंसिंग का, जिससे आप मटेरियल खरीद रहे हो उसी से उधार ले लो पैसे, और फिर उसी पैसों से उन्हीं के यहाँ से मटेरियल खरीद लो। पहला यही बात है, वेंडर फाइनेंसिंग इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन विच कंपनी लैंड मनी टू वन ऑफ इट्स, कंपनी पैसे उधार दे सकती है किसको, अपने कस्टमर को, ताकि वो क्या करे, प्रोडक्ट खरीद सके, कहाँ से, खुद कंपनी से ही। या तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आप जिससे मटेरियल या प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे ये कह दे कि पैसे जो क्रेडिट पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए। इट मींस, दिस मींस एक्सटेंडिंग द पेमेंट टर्म, एक्सटेंड कर दीजिए, डेफर कर दीजिए पेमेंट को, डेफर कर दीजिए, 30 डेज कर दीजिए, या फिर उसको 45 डेज कर दीजिए। क्योंकि जितना आप पीरियड बढ़ा दोगे, आप कहोगे कि हम आराम से पैसे दोगे, उतना आपका टेंशन खत्म होगा। वेंडर फाइनेंसिंग एक ऑप्शन है। इसके अलावा किस, और परचेसिंग ऑर्डर, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग। सर परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या है, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग के विषय में आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हैं, जो मैंने बताया यहां जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, परचेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, परचेसिंग ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी एडवांस करेगी रिक्वायर्ड फंड डायरेक्टली टू द सप्लायर, यही मैंने आपको समझाया। फैक्टरिंग, आपको पता है फैक्टरिंग में क्या करते हो आप जब भी गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड करते हो और गुड्स जो है क्रेडिट पे बेचो, क्रेडिट पीरियड जो है वो जितना भी, जब एग्जाम्पल 6 महीने है, तो फैक्टर क्या कर देता, हमको पेमेंट कर देता अभी, और हालांकि पूरा पेमेंट नहीं करता, और फिर फैक्टरिंग एजेंसी को किससे पैसा मिल जाता होगा, जो भी डेटर्स है उससे। समझा चुका हूं तो ज्यादा, कितने पॉइंट है टोटल मिलाकर, 9, कम से कम कितने पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 4, और 4 पॉइंट कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से याद कर सकते इतना तो, और अगर सारे ही याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था मेरा, इनोवेटिव वेज। अब सर आगे क्या कर रहे, आगे इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखोगे सर, ठीक है मेरे साथ, पहले मैं समझा दूंगा पॉइंट नंबर 2 और उसके बाद फिर आपको दिखवाऊंगा कि पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे पिच। प्रेजेंटेशन, पिच प्रेजेंटेशन, सर ये है क्या चीज, पिच प्रेजेंटेशन, आराम से सुन रहा हूँ, बात समझ में, तैयार हो जी, यस। कहाँ पहुँच गए आप, लोन लेने के लिए फाइनेंस, किसके पास जा रहे हैं, या तो किसी वेबसाइट में क्राउड फंडिंग के थ्रू हम पैसों का अरेंजमेंट करने वाले हैं, या तो फिर हम पीयर टू पीयर लैंडिंग ऑप्शन में जाने वाले हैं, या तो हम वेंडर फाइनेंसिंग के थ्रू काम करने, वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब होता है किसी से पैसे उधार लेकर उसी से
प्रोडक्ट खरीदना, जिसके पास भी जा रहा है, आपको कोई पैसा क्यों लगाएगा आपकी कंपनी में? क्योंकि आपका स्टार्टअप है, तो पैसा क्यों लगाए? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना पैसा क्यों दे सामने वाला, ये कहीं ना कहीं लिखकर तो देना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। हाँ सर, और इसमें ये बताना, एक प्रेजेंटेशन दे दी जाए, और इस बात का प्रेजेंटेशन दे दी जाए कि प्लीज रिक्वेस्ट है, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, आप इन्वेस्ट कीजिए। और उस प्रेजेंटेशन इस तरह से हो, इस तरह से दिखाओ सामने वाले को कि वो बिल्कुल एग्री हो जाए, वो इन्वेस्टर बिल्कुल एग्री हो जाए आपके यहाँ पैसा लगाए। दिस इज पिच प्रेजेंटेशन। तो सर चलो ठीक है, हम मान लो बैंक, हालांकि बैंक तो सेकेंडरी है, हम बैंक के पास जा रहे हैं और बैंक से बोल रहे हैं कि प्लीज हमें लोन दे दीजिए। बैंक कहेगा ठीक है, दे तो दे, कुछ पेपर्स तो लिखाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुना है कोई, इसी टाइप से कुछ है। अच्छा, अब मैं बैंक के पास गया और मैं पेपर्स लेके गया, पेपर्स में मुझे ये तो बताना पड़ेगा लोन क्यों चाहिए, क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या पूरा की पूरी चीजें। इन्वेस्टर्स को जब तक पता नहीं होगी तब तक वो पैसे कैसे लगाएगा। तो पहला बात, क्या क्या होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, किस लिए, लोन लेने के लिए। तो भाई प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा लिखोगे? फर्स्ट, पहले क्या होगा सर? पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे ना अपना। यस, पहला पॉइंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे सर? इंट्रोडक्शन में ये बताओगे कि हाँ मैं कौन हूं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बिजनेस करना चाहता हूं, बस शॉर्ट एंड स्वीट में मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि मैं कौन। ठीक है सर, पहला पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ में ये होगा कि सर आप जब बिजनेस कर रहे हो और कोई भी इन्वेस्टर्स, आपका कोई भी पब्लिक आपके पास पैसा लगा रही है आपके बिजनेस में, तो सबसे फर्स्ट वो देखेगा टीम क्या है, टीम में कौन कौन लोग हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रस्ट करेगा तो वो आपके अकेले पे नहीं करेगा, टीम पर ट्रस्ट करेगा कि मैं बताऊंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो हूं ही हूं, साथ में किसी ने बाहर से MBA कर रखा है और ये वो भी मेरी टीम में है। इस तरह से अगर मैं बता दूं, मेरी टीम में वो लोग भी है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो पब्लिक धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेगी कि हाँ जी पैसा है, पर बाहर से पैसों का अरेंजमेंट बिजनेस के पर्पज से हो रहा। इट मीन्स अगर पब्लिक ट्रस्ट करने लगी और मैं क्वालिफिकेशन वगैरह, टीम अगर स्ट्रांग होगी तो पब्लिक ट्रस्ट करेगी, और पब्लिक ट्रस्ट करेगी, इन्वेस्टर ट्रस्ट करेगी, तो पैसा लगाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके टीम में कौन कौन लोग हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। थर्ड, चलो भाई, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने टीम के विषय में बता दिया। इसके बाद ये बताना पड़ेगा क्या बिजनेस करने वाले हो और क्यों करने वाले हो। अब ना मुझे ये बताना पड़ेगा कि जैसे मैं अभी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सी क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस, क्यों कर रहे हो पेन ड्राइव क्लासेस स्टार्ट? तो मैं बताऊंगा कि फेस टू फेस में बाहर के बच्चों को, हालांकि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मैं मेरे बाहर के बच्चों को अपना फेस टू फेस क्लासेस नहीं दे पा रहा, इसलिए पेन ड्राइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब कोई भी बिजनेस तभी स्टार्ट होता है जब एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बस बात समझ। जहां प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ सोचा, दिस इज स्टार्टअप, और इसी के लिए पैसे चाहिए। अच्छा सर, एक आध एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, आपके स्टडी मैट में क्या लिखा है? स्टडी मैट में एक एग्जांपल लिखा है, सोशल मीडिया में फेसबुक तो अभी अभी आया, इससे पहले ऑर्कुट चलता था। ऑर्कुट में क्या प्रॉब्लम थी? ऑर्कुट में प्रॉब्लम ये थी कि वन ऑफ प्राइवेसी जो है आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, कोई भी जाके प्रोफाइल वगैरह सब कुछ चेक कर लेता था, ये प्रॉब्लम थी। और कुछ फेसबुक ने ये देखा कि यार इस प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है? यस, और यहां फेसबुक ने प्राइवेसी मेंटेन करते हुए चला। इट मींस ऑर्कुट में जो प्रॉब्लम थी उसका फायदा किसने उठाया? फेसबुक ने उठाया। ये एग्जांपल आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में है। तो इट मींस अब क्या बताओगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, प्रॉब्लम्स, और उसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? yes, प्रॉब्लम्स बताना पड़ेगा। फोर्थ,
और एक चीज, तो भाई क्या क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, टीम हो गया, प्रॉब्लम पता कर लिया कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसके अलावा हमें इन्वेस्टर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि सर जी ऐसा हमारा बिजनेस चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये भी सारी चीजें बताना पड़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टर आज नहीं तो कल पूछेंगे, मुझसे भी कोई पूछ सकता, सर अगर पेन ड्राइव क्लासेस, ऐसा भी तो हो सकता मुझसे पूछे कि ठीक है आप पेन ड्राइव क्लासेस चलाइए, हम पैसा लगाने को तैयार है, पर कल को वो कॉपी हो जाए तो इट मींस क्या क्या सर, डाउट कैसे सॉल्व होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है? हाँ तो मुझे बताना पड़ेगा इन्वेस्टर को कि सर डाउट आएगा तो मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसे ही। इट मींस आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका आपके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल किसका दिया, स्टडी मटेरियल ने एग्जांपल दिया है फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट जब क्या होता था कि जब गुड्स बेचता था ऑनलाइन में तो दो प्रॉब्लम थी, पहला जो पहले पेमेंट था वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होता था। अब क्या है, हर किसी के पास तो क्रेडिट कार्ड होता नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, उसकी सेल ज्यादा नहीं होती थी, क्रेडिट कार्ड बहुत कम पब्लिक यूज करती थी तो बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि चलो यार इस बार कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट करते हैं। इट मींस आप अच्छे समझते हो, सामने वाला आएगा गुड्स देगा और बदले में कैश ले जाएगा, टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड का टेंशन ही खत्म हो गया, कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चलो ऑर्डर आया फ्लिपकार्ट के पास, अब वो जब गुड्स पहुंचाते थे बाई पोस्ट उसमें बहुत ज्यादा समय, सप्लाई करने में, गुड्स को डिलीवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फ्लिपकार्ट ने अपना ही जो सप्लाई डिवीजन है वो तैयार कर दिया। इट मींस हर सिटी में फ्लिपकार्ट का एक डिवीजन है, अब बाई पोस्ट कुछ नहीं आता, अब सीधा ट्रांसफर किया जाता है, यहां जहां भी सिटी में आया वहां फ्लिपकार्ट के पास फटाफट से डिलीवरी होती है, ये एक फायदा हो गया। अच्छा तो इट मींस और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बेटे फिर से समझा रहा हूं, प्रॉब्लम का मतलब क्या लिखोगे, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, यस। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करें। इसमें एग्जाम्पल किसका रहेगा, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं इसमें एग्जाम्पल हमेशा आप किसका दोगे, फेसबुक का, स्टडी मैट, और इसमें एग्जाम्पल किसका दोगे, फ्लिपकार्ट का। ओके सर, अब आगे चल रहे हैं, तो चार पॉइंट आपके पास हो चुके हैं, अब आ जाते हैं हम पांचवे। सर यहां तक तो हो गया, हमारे पास चारों चीजें हो गई, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, हमने टीम के विषय में भी बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, और हमने ये भी बता दिया था कि उसका उस प्रॉब्लम का हम सॉल्व कैसे करने जा रहा है, और ये भी बता दिया कि अगर हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अब आगे क्या करना है, आगे और क्या बताओगे? और सर एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के विषय में भी बताएंगे कि यस बिल्कुल सही, बताना पड़ेगा। इट मीन्स इन्वेस्टर्स के पास जाइए आप और इन्वेस्टर्स को सब कुछ तो बता रहे हो, ये भी बता दो कि देखो सर जी नया बिजनेस नहीं है, कंपटीशन है, और नया बिजनेस भी है उसमें भी बड़े बड़े कंपटीशन है, तो कंपटीटर का नाम वगैरह उन लोगों और उनके प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है ये बताइए, ये बताइए कि उनका प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, उनके प्रोडक्ट को हम हटा सकते हैं मार्केट से, ये आपको बताना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन के विषय में बताना ही पड़ेगा। और क्या बताओगे, मार्केट साइज बताना पड़ेगा। सर मार्केट साइज का मतलब बेटे ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट हर कोई नहीं खरीदता, अगर मैं पेनड्राइव क्लासेस बिकती है बेच रहा हूं तो मेरा मार्केट कितना है ये मुझे मालूम, ये मार्केट आपको बताना पड़ेगा कि बाकी पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ सीए वाले लोगों के लिए, ऐसे बहुत सारा है, तो वो मार्केट साइज बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कस्टमर्स कौन से है और कितना हम मार्केट कवर कर सकते हैं। ओके सर, और क्या होगा,
और एक प्रोजेक्शन भी तैयार करना पड़ेगा। सर प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा भाई, हर कोई तो इनकम ही चाहता है। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि आगे हमारी कितने की कमाई हो सकती है एस्टिमेटेड, तभी इन्वेस्टर्स पैसा लगाएगा। उसको आखिर फिगर्स में भी तो इंटरेस्ट होगा, नंबर्स में, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि कितना कितना हम काम कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल, सर ये क्या है? बट ठीक है, सारा चीज़ बता दिया आपने, अपना इंट्रोडक्शन दिया, टीम के विषय में बताया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कंपटीशन, मार्केट साइज, प्रोजेक्शन वगैरह सब बता दिया। अब प्रोसेस तो बताइए कि क्या किस प्रोसेस में काम चलेगा, शुरू से लेके आखिरी तक। मटेरियल कहाँ से खरीदा जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, टारगेट कस्टमर्स कौन से होंगे, और उस प्रोसेस से हम किस तरह से प्रॉफिट कमाएंगे, हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाएंगे सामने वाला, ये सारा बिजनेस मॉडल, बिजनेस आपको बताना पड़ेगा। इसमें बाकी एग्जांपल वगैरह स्टडी मटेरियल में लिखे हुए, आप उसको भी आप नोट कर सकते हो। और फाइनली इसके बाद आपको बताना पड़ेगा फाइनेंसिंग। सर ये क्या होता है फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब आप इन्वेस्टर्स को बता रहे हो कि देखो देखो ये हमारा बिजनेस है, पर इन्वेस्टर को ये भी तो बताना पड़ेगा सर कि अब हमको पैसे चाहिए। तो इन्वेस्टर पूछेगा अच्छा अभी किसने लगाया है पैसा, तो उसे हम बताएंगे देखो हमारे पास इतना हमारा टारगेट था, हमारा 10 लाख रुपए टारगेट था, उसमें से हमारा 4 लाख रुपए अरेंजमेंट हो चुका है, और किन किन लोगों ने पैसे दिया ये भी बताइए, ताकि सामने वाला जो इन्वेस्टर उसको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ जी अब हम भी। और अगर नहीं मिला है अभी तक, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो बताइए कि पैसों का अरेंजमेंट और किस कहां तक आप पहुंचे हो अरेंज करने के लिए, ये सब आपको बताना पड़ेगा। दिस इज फाइनेंसिंग। टोटल पिच प्रेजेंटेशन में कितने पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको? 9 में थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, 4-5 भी याद रहेगा। तो क्या क्या बताओगे भाई? आप इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हो कि प्लीज हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, स्टार्टअप है, क्या बताओ? इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने टीम के विषय में बताइए, और क्या बताइए, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, इसलिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम करने जा रहे हैं। चौथी बात, अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। 4 चीज हो गई। 5 क्या? कॉम्पिटिटर के विषय में बताइए, कॉम्पिटिशन क्या वगैरह है। प्रोजेक्शन बताइए कि क्या इनकम स्टेटमेंट, कितना इनकम हो सकता है, क्या हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्टेड आपका, इसके अलावा मार्केट साइज बताइए कि कितना मार्केट हम कवर करने वाले हैं, बिजनेस प्रोसेस बताइए, और कहां से पैसों का अरेंजमेंट हो गया ये बताइए। इतनी चीजें बताना। अभी क्या करना है हमको? एक बार हल्का सा रीड करना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चलो आते हैं। कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, फटाफट से काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या देने जा रहे हो आप? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे? कुछ नहीं। आप कौन हो, आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, बहुत ज्यादा डिटेल मत बताना, शॉर्ट एंड स्वीट में बताना, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा, आपको किसके विषय में बताना पड़ेगा? टीम, क्योंकि आपको याद, पीपीएल गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए क्या होगी? बाकी तो आप पढ़ लोगे, बस इसमें कीवर्ड्स आपको याद रखना है कि ये कीवर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, टीम के विषय में बताओ। इसके अलावा और किस मैटर पे हम बात करेंगे? इसके अलावा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब आपको ये बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ही इज गोइंग टू सॉल्व एंड सॉल्यूशन इमर्जिंग फ्रॉम इट, ठीक है। और किसका आपको एग्जाम्पल देना है? फेसबुक का एग्जाम्पल देना है। और इसके अलावा आपको और किसके विषय में? और कुछ, और वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, समझा। उसके बाद क्या बताना पड़ेगा? सॉल्यूशन, कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल किसका रहेगा इसमें? एग्जाम्पल रहेगा आपका ई कॉमर्स में मैंने किसका एग्जाम्पल बताया था आपको? फ्लिपकार्ट, ये आपको याद। और फ्लिपकार्ट में 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, पहला कैश ऑन डिलीवरी वाला सॉल्व हो गया था कैश ऑन डिलीवरी से, और दूसरा सप्लाई चेन सिस्टम। ये एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा सर, ऐसा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो
तीन चीजें तो चार चीजें हो गई, उसके बाद आपको मार्केट वार्केट के विषय में बताना पड़ेगा कि यार कितना बड़ा मार्केट है, और कस्टमर टारगेट कस्टमर के विषय में आपको समझाना पड़ेगा टारगेट कस्टमर। ये मार्केट में हो गया, ठीक है, एक दो पॉइंट लिख दोगे चल जाएगा अंदर। इसके अलावा आगे चले तो प्रोजेक्शन, आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, तीन चीजें बताना पड़ेगा कम से कम। कौन कौन सी चीजें, इनकम स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा और क्या बात कर ले तो कैश फ्लो बताना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। इसके अलावा प्रोजेक्टेड क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। अब आगे चले, इट मीन्स प्रोजेक्शन में तीन चीजें, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। इसके आगे चल रहा है तो किसके विषय में और समझाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन, कि क्या कॉम्पिटिशन है और उनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। इट मीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंपनी, ये आपको समझाना पड़ेगा। और आपको कंप्लीट डिटेल देना पड़ेगा नेम वगैरह ऑर्गेनाइजेशन का, किसके विषय में, अगर आपको कॉम्पिटिशन के विषय में कुछ बताना है तो। बिजनेस मॉडल, बस बहुत सारा प्रोसेस है एक्चुअल में, तो इसमें ये थोड़ा सा बहुत सारा दिया हुआ, पर आप इसमें एग्जाम्पल के कारण ये बड़ा पॉइंट, ये बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है, इसको आप देख लोगे। इसके आगे ये सब बिजनेस प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ये रेशो वेशो तो ये आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और इसके अलावा क्या चीज़ रहेगा, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आपको क्या समझाना है, फाइनेंसिंग में आपको ये बताना है कि फर्म ने अभी तक कितना पैसा ले चुका है उधार, ऑलरेडी बीन रेस्ड, और किसने इन्वेस्ट किया, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन की बताओ अभी तक काम कहां तक पूरा हो चुका है। अगर इन्वेस्ट नहीं हुआ है तो आपको ये प्रमोटर इज पिचिंग रेज कैपिटल, ही शुड लिस्ट हाउ मच ही लुकिंग टू रेज, कितना पैसा चाहिए और उसका यूज क्या होने वाला है। तो ये 9 पॉइंट है पिच प्रेजेंटेशन में। इट मीन्स पिच प्रेजेंटेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि मैं इन्वेस्टर्स के पास जा रहा हूं तो मैं ये लेकर तो जाऊं क्या क्या है मेरे से, मुझे पैसा क्यों चाहिए, पर्पस, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो कितने पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट इनोवेटिव वेस टू फाइनेंस स्टार्टअप, और दूसरा पिच प्रेजेंटेशन। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पॉइंट कवर करेंगे।